एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आई होप आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर्षु स्कूल जा चुका है और मम्मी भी अपनी मॉर्निंग वॉक जो मम्मी की होती है हमेशा, वो घूम के आ चुके हैं। और अब है जो मैं, जो मेरा घर का काम है वो मुझे फ्री करना है फटाफट से, क्योंकि बिस्तर इधर उधर रहते हैं पड़े, तो उनको भी फटाफट से उठाऊंगी। और आज का जो मेरा रूटीन है वो भी मैं आपसे सभी से शेयर करूंगी, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। काफ़ी टाइम हो गया आपको मैंने अपने जो मेरा गार्डन है इसकी सैर नहीं कराई है। फिलहाल तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम है एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास से। जैसे कि आप सभी देखते हैं ये जो गार्डन में हमारे ये लगे हुए फ्लावर, बिच्छू काटी बोलते हैं इनको हमारे यहाँ पर, तो और आपके वहाँ पर सब अपने अलग अलग जगह जो जहाँ रहता है वहाँ पर इनको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये है ना, एक बार इसको सांड ने तोड़ दिया था, घर में घुस गया था, गेट खुला रहता था, ये वापस देखो बरसात के मौसम में अच्छा अच्छा हो गया। और ये जो दो छोटे छोटे हैं और ये एक छोटा बच्चा है, ये बील पत्र का है, वो बील होता है ना जूस वाला उसका है। और ये सब फ्लावर्स के हैं, ये देखो तो प्यारा पिंक फ्लावर, इनको रजनीगंधा बोलते हैं कई तो, बाकी मेरे को एक्चुअली में इसका नाम नहीं पता। और ये सब अभी तो इनमें फूल है नहीं। और ये देखो मेरे अनार का, इसके इतने सारे फ्लावर आए थे लेकिन बरसात में सारे खराब हो गए ये सारे। मैं अंदर आ गई हूँ और फ्री कर रही हूँ मेरा डेली रूटीन हर यहाँ पर सोचा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और वो ऐसे ही छोड़ के चला जाता है स्कूल। अब वो तैयार भी होता है, सारा ही काम रहता है, इसलिए उसके जाने के बाद ही मैं सारा शोर समेटा करती हूँ। और ये पीछे आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है अभी हर्षवर्धन के, हर्ष के बर्थडे के, अभी भी ये लग रहे हैं फूल वगैरह, ये झालरें लटक रही हैं अभी भी, उतारने का टाइम ही नहीं मिलता इनको, कैसे उतारूँ, इतना ऊपर इन्होंने लगा तो दिया, मेरे हाथ ये आता नहीं। अब मैं फटाफट से ये डेली रूटीन फ्री करूँगी, फिर जाऊंगी मैं किचन में। मुझे बड़ी ही स्वाद लगती है, एक बार मैंने बनाई थी तब बड़ी टेस्टी लगी थी, तो मम्मी दोबारा लेके आई। आज मॉर्निंग में मुझे काफ़ी लेट हो गया था और हर्षो भी आ चुका था स्कूल से, जब तक मुझे काफ़ी लेट हो गया था। और लेट वो कैसे हुआ, क्योंकि काम रहता है, काम घर का तो खैर चलो जल्दी हो गया था, लेकिन जो मैं काम करती हूँ मशीन का उसके कारण मुझे लेट हो गया था। मैं थक भी गई थी अच्छी खासी, लेट ही नहाना हुआ, नहा तो क्या, हम मैं और अर्शु ने फटाफट से खाना फ्री करके हम दोनों सो गए। अब वो ये शाम को उन्होंने मुझे जल्दी रेडी होने के लिए कहा था, क्योंकि मेरी वजह से ये लेट हो जाते हैं। और अर्शु को भी मैंने पढ़ाई कराई थी अभी थोड़ी सी, तो उसके कारण भी मुझे थोड़ा तो लेट हो गया, लेकिन ये आएंगे गुस्सा करेंगे जब तक मैं रेडी नहीं रहूँगी, तो मैं इसलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और जाएंगे मार्केट। मैं रेडी होकर अपने घर के सामने जो हमारी गली है वहाँ पर आ चुकी हूँ, और मुझे यहाँ पर कैमरा ऑन करने में बड़ी शर्म आती है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर मैं ऑन किया है मैंने यहाँ पे कैमरा, मुझे बड़ा अजीब लगता है, यहाँ पे सब लोग देखते हैं पूछते हैं, इसलिए मैं ऑन नहीं करती यहाँ पे। और हम चले मार्केट, ये जगह मुझे एक्सप्लोर करनी थी, काफ़ी अच्छी जगह है ये, है विशाल, जो कि बीकानेर में ही है, काफ़ी दूर है हमारे घर से तो, लेकिन आज हम यहाँ पे करेंगे शॉपिंग, कराएंगे आपको इंजॉय मेरा व्लॉग, और हम भी खूब सारी शॉपिंग करेंगे, जो कि मुझे हर्षु के लंच बॉक्स भी लेने थे। हमें कन्फ्यूज़न हो रही है हर्ष के लिए लंच लेने के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा रिक्वायर रहती है, लंच बॉक्स तो नहीं है लेकिन ये एयर टाइट कंटेनर है, तो मेरे हर्ष के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो वाले थोड़ा सा अलग रेंज में जाते हैं, ये एकदम परफेक्ट रेंज में। मैं आपको दोनों, लेकिन हर्ष में प्लास्टिक वाला नहीं लेने वाली, तो फिर स्टील का ठीक है ना, तो प्लास्टिक अंदर 99 लेके क्यों खराब करें, है तो प्लास्टिक बाहर ही है ना, एयर टाइट है, तो मैं हर्ष लंच के लिए देख रही हूँ ये सब। ये कप स्टैंड है जो कि मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसकी प्राइस मुझे सही नहीं लगी। यही होता है जब हम मार्केट में आते हैं, या तो प्राइस सही नहीं लगती, और प्राइस सही लगती तो कोई सामान अपन को कम जचता है, ये तो बड़ी ही समस्या होती है, सबके साथ ही होती होगी, मेरे साथ जिसके साथ होती ज़रूर बताना मुझे। यहाँ पर मैं ये प्लास्टिक सामान देखते हुए, ये छोटा मोटा सामान फ्रिज में रखने के लिए अगर जगह कम हो उसके लिए, और ये जो टोकरियाँ छोटी छोटी सी जो मेरे घर के लिए देख रही हूँ मैं, मुझे काफ़ी सुंदर लगी और काफ़ी रीजनेबल रेट भी, काफ़ी अच्छी रेट में भी है ये, और इतनी सारी दिखी मुझे। जैसे कि मैं सिलाई करती हूँ तो उसके लिए गट्टियाँ होती हैं, वो उनके लिए मुझे डब्बा नहीं मिलता, तो मुझे ये डब्बे काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे, काफ़ी सही रेट में भी थे ये, तो आपको भी यदि रीज़नेबल रेट में चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अच्छी अच्छी
प्रोडक्ट के साथ ही बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, बहुत न्यू वैरायटी भी है, कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे जहाँ तक कि मैंने देखा है। और जैसे कि औरतों की आदत, जितना सामान ज़रूरत का होता है उससे ज़्यादा ही लेती हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे। अभी देखो किचन का है ये एयर टाइट कंटेनर है, ऐसा लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो, इतना अच्छा अच्छा लगता है सामान यहाँ पर। और सारा सामान एक ही जगह पर मिलता है, मेन बात ये सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, आपको हर जगह नहीं जाना पड़ता। हर्षो की ज्योमेट्री भी टूट गई थी इसलिए मैं ज्योमेट्री भी देख रही हूँ उसके लिए। अब ये देखना है कि लेना क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। टोकरी तो फिलहाल मेरी छोटे मोटे सामान से ही भरी हुई है। हम आ गए हर्षु के पापा के लिए ड्रेसेस परचेस करने के लिए, जहाँ इनको ही ट्राई करना था। ये खुद ही सेलेक्ट कर रही हैं, खुद ही ट्राई करेंगे, खुद ही परचेस करेंगे। मेरा इस जगह पर अब कोई काम नहीं है, मेरा जहाँ जहाँ काम था वहाँ वहाँ मैंने ले लिया, अब ये पूरा इनके हवा। यहाँ पे हमने बहुत सारी वैरायटी ट्राई की है और ये अपना ट्राई करने के लिए गए ट्रायल रूम में। मैंने हर्षु के लिए भी लिए, इनके लिए भी लिए और छोटा मोटा कुछ ना कुछ घर के लिए लिया है। मैंने ये देखे सनग्लासेस मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा ट्राई करो इनको, कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ ना, कौन अच्छा लग रहा है। ये वाला या कौन सा वाला, तो ये एक ही अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे ट्राई किए सनग्लासेस के पास में ये सारा लेडीज़ का था, तब मैं यहाँ पर आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगे, इतने प्यारे कॉटन के हैं ये सभी, इतने सिंपल कलर जैसे कि मुझे पसंद आते हैं। और आप लोग भी कह रहे हो कि आप इतने सिंपल ड्रेसेस लेती हैं, तो वैसे ही पसंद आया मुझे। ये देखो अभी ये चल रहे हैं, एकदम लाइट कलर हैं, मुझे बड़े पसंद आते हैं लाइट कलर, एकदम कूल लुक देते हैं आपको। और वैरायटी भी अच्छी है यहाँ पे, मैं दी के लिए भी देखने लगी यहाँ पर। मैंने सबके लिए देखी है, मतलब जब कभी जाऊँगी ना जयपुर तो सबके लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए अच्छे से शॉपिंग यहीं से करूँगी मैं। नेक्स्ट टाइम मेरा ट्राई यही रहेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम यहीं पे आऊँ। और ये आ गए हैं मेरे प्यारे प्यारे पर्स, जो कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ ना सबसे पहले पर्स ज़रूर ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं था इसलिए मैं इधर आ गई। और फटाफट से मैंने ये पर्स ट्राई किए जो कि ओके थे, मुझे ज़्यादा खास में तो नहीं लगे ये, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं और क्या पता कोई सा पसंद आ ही जाए। और यहाँ पर ये बिलिंग कराने के लिए जा रहे हैं और ये मुझे डांटे जा रहे हैं बार बार कि तू उधर क्या कर रही है, मैं इधर बिलिंग करा रहा हूँ, चलना है, काफ़ी लेट हो गया, 10:30 बज गई। फाइनली हमारी पूरी कंप्लीट परचेसिंग हो चुकी है और बज गई है 10। बहुत कुछ अच्छा अच्छा है यहाँ पर, आपको कभी टाइम लगे प्लीज़ जरूर विजिट। हम घर आ चुके हैं और आते ही हर्षु तो सोया हुआ मिला मुझे, हर्षु तो सो रहे हैं। और अब हम जो भी सामान लेके आए विशाल से वो मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग ही शो करूँगी, क्योंकि अब बज गए 10:30, लेट हम काफ़ी हो गए, मेरी कमर दर्द होने लगी अच्छी खासी और मैं थक भी गई हूँ। और जाते तो हैं लेकिन बहुत रेयर जाते हैं, तो यहीं पे मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, जय माँ करनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।